सो हाय साथी, स्वागत छ सबैको मेरे यूट्यूब चैनल मा मिताली छेत्री मा। सो लो भाई, देख सकते हैं आप लोग, अपना GoPro भी आ चुका है। बहुत ही मिन्नतों और पेशेंस के साथ मुझे रहना पड़ा इस वक्त, तब जाकर ये GoPro मुझे मिला है। और अगर आपका भी कभी कुछ ऐसा हो, GoPro ख़राब हो गया या कुछ हो सीन हो, तो आप भी मेरे इससे पहले वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरे को तो इतना पता भी नहीं था और मैं तो बहुत ज़्यादा भटकी हूँ GoPro के चक्कर से। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भटको जी जिसके पास GoPro है। सो हाँ भाई, अब तो मतलब पूरे 3 हफ्ते बाद एक वीडियो आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो हाँ, लास्ट टाइम हम गए थे कोटी विलेज, जहाँ पे मेरा GoPro ख़राब हुआ था। सो मैंने सोचा है कि वहीं से एक और स्टार्टिंग की जाए। तो अभी हम जा रहे हैं दोबारा से आज कोटी विलेज की तरफ, और मेरे साथ जा रही है आज आंचल, क्योंकि मेरे पीछे बैठी है। और फिलहाल हम कोटी विलेज की तरफ जाते हैं, पहले प्रेम नगर क्रॉस करते हैं, उसके बाद भाव वाला, फिर सुद्धो वाला। तो ऐसे ऐसे करके हम पहुंचेंगे आज कोटी विलेज। और इस बार तो मुझे पूरा रास्ता भी पता है, तो इतना कुछ हमें गूगल वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट पहुँचते, ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। सो चलो भाई। सो गाइस, लुक एट द व्यू, सामने वाले पहाड़ देखो पहले आप एक बार, वो सारे पहाड़ चेकआउट करो। और उधर वो ब्रिज आने वाला है, जिस ब्रिज की मैं बात कर रही थी। और ये जो चौक था ना, अभी जो इससे पीछे गया है, वो था विश्वकर्मा चौक। तो आपको उधर से पूरा एक टर्न लेना है और वो ब्रिज उधर रहा। अगर अब देखते हैं उस ब्रिज का नाम क्या है पहली बात, पर आप लोग याद रखना, अगर कोई लोग आएंगे इधर घूमने तो इधर एक बहुत बड़ा ब्रिज आता है, उसके नीचे से एक नदी जा रही है। अभी नदी का बहाव तो काफ़ी कम हो गया होगा, क्योंकि बारिश तो अब नहीं है इसलिए। और बस हम भी कोशिश कर रहे हैं फटाफट पहुँचे और फटाफट अपना इंजॉय करें और घर की तरफ चलें। सो हियर इज़ द ब्रिज, और ये रहा वो ब्रिज। इस ब्रिज का नाम टटकल था, पता नहीं क्या था, मैं मेंशन कर दूँगी एक बार सर्च करके। और देख लो, उस तरफ भी पूरा नदी है, मतलब पूरा सूखा बंजर जैसा, और इस तरफ भी पूरा का पूरा नदी है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, रुक के। वेट, सो गाइस ये देखो, वो पूरी उधर नदी जा रही है, वो पूरी नदी छोटी छोटी नदी है। मतलब अभी बारिश को काफ़ी टाइम हो गया इधर में। और वो सामने वाले पहाड़ देखो, उधर जाना है हमें। हाँ, वो जो पहाड़ नहीं दिख रहा उधर, हाँ तो वहीं जाना है। मजाक कर रही हूँ मैं। तो बस अभी यहाँ से शायद आधा घंटे का रास्ता और रह गया, तो अभी हम फटाफट चलते हैं। उसके बाद आंचल दीदी चलाएंगे स्कूटी, बिकॉज मैं तो थक चुकी हूँ स्कूटी चला कर। तो हम चलते हैं फटाफट से, पहले कुछ खाने के लिए लेते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था बहुत तेज भूख लग रही है। तो पहले हम कुछ खाने के लिए ले ही लेते हैं, फिर बैठ के आराम से खाएँगे, इन्जॉय करेंगे, रील्स बनाएंगे और बस अपना वीकेंड एंजॉय करेंगे। और गाइस देख लो, गाँव की सबसे अच्छी बात होती है जो खेत होते हैं ना, ये अभी देखो धान का सीज़न चल रहा है, तो पूरे धान के खेत है। ये देखो, ये पूरे खेत हैं इधर। और मतलब इतना मज़ा आता है ना ऐसी जगह में आके, मतलब दिल को ना शांति, अगर किसी स्ट्रेस वगैरह में होना, आपको शांति मिल जाती है एकदम मस्त एकदम। अभी आगे जाके तो और अच्छा व्यू दिखने वाला है आपको, तो भाई पूरा देहरादून दिखता है वहाँ से, मतलब इतना क्लियर विज़न दिखता है ना देहरादून का। तो अभी मैं दिखाऊंगी आप लोग को, आप लोग बस वीडियो में बने रहें। चलते हैं हम लोग इधर से फटाफट से और पहुँचते हैं, तब आपको दिखाते हैं। ओके, सो गाइज ये रहा यहाँ का व्यू पॉइंट, जिसके ऊपर चढ़ते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये रहा यहाँ पे एक मंदिर, ये है हमारा शिव जी का मंदिर इधर, और ये व्यू पॉइंट है। अभी हम इसमें चाहते हैं, पहले हम इधर ही थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं,
और देखो यहाँ से कितनी अच्छी खूबसूरती दिख रही है, ये देखो उधर बकरियाँ भी चर रही हैं। और अभी हमें इधर से जाना है उस तरफ की तरफ, तो अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। आजा ऊपर। तो मैं चलो गाइस, तो अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं और आ चल आराम आराम से आना। मैं एक तो ट्राईपॉड नहीं लाई। क्या डर लग रहा है तेरे को? ये देखो गाइस, ये स्टंट हम कर सकते हैं। चल ओ भाई, इसकी सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है ना, देखो ऐसे सीढ़ियाँ भी कौन बनाता है, भगवान क्या डर लग रहा है। तो अभी हमने सिविता क्रॉस किया है। मेरे को डर लग रहा है। आ जाना, कुछ नहीं होता। मेरा फोन वो मेरी जेब में। ये देखो ये जो सीढ़ी है ना, इसको ऐसे में बना रखा है। आजा आजा। ऊपर से मैं ट्राईपॉड नहीं लाया, मेरे को ऐसा लग रहा है कैमरा छूट ना जाए हाथ। बस आजा, लास्ट है। नहीं गिरती भाई, यस मैं पहुंच गई। अरे आना, वो देखो देखो। आजा आजा। गाइस ये देखो, लुक एट द व्यू, कितना ज्यादा सुंदर है। ओ मागो टूरू लव, सच में। ओ अच्छा हिल रहा है तो तू हिला रही है, तू इतनी सुकड़ी है और तू कैसे हिला सकती है इसको। ओ भाई ये देखो, ये व्यू देखो, मेरी शक्ल देखना तो गंदी शक्ल देखने से अच्छा। तो ये पूरा 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 वो देखो, उस तरफ गांव है, फिर वो पहाड़, फिर उस तरफ लोग हैं और उस तरफ भी गांव है। यार कैसे कैसे लोग हैं मेरे साथ। और ये आंचल ने भी फाइनली स्टैंड कर दिखाया। तो हम फटाफट से यहाँ पर एक दो रील बना लेते हैं और फिर चलते हैं। टाइम उधर की तरफ आए थे हम, और ये पूरा नदी वाला एरिया है और उस तरफ है कोई वाटरफॉल। देखते हैं अभी कहाँ पर है। देन लेट मी नो इन कमेंट्स कि उधर की साइड है क्या भद्राज। वो जो मुझे उधर लग रहा है भद्राज का टेम्पल, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट वो उस तरफ। चलो देखते हैं, लेट्स सी। सो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं अभी इधर कोटी विलेज के सामने। हट। और देखो ये है वो बहुत ही प्यारी नदी, बिल्कुल वाइट है, मतलब ऐसा लगता है जैसे दूध वाला जो पानी होगा ना वो आ रहा होगा। देखो वो वाटरफॉल ना कहीं ऊपर है उस तरफ, तो हम अभी वाटरफॉल में जाएंगे जस्ट से कि हम अब देखते हैं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। विल सी। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ और वो तो निकल गई देखो खुद ही, और मैं तो इस तरफ से जाऊंगी। सो गाइज ये इतना एडवेंचरस है, हट इसको हटाना पड़ रहा मुझे बार बार। ये देखो भाई ये रास्ता जा किधर रहा है, इतना छोटा छोटा, ये तो जंगल आ रहा मुझे लग रहा है आगे। ऐसा ना हो हमारा किडनैप हो जाए और हम फिर खो जाए इधर, फिर हम देखते हैं अभी कितना आगे तक जा सकते हैं, कहीं हम गलत जगह ना पहुंच जाए। बस डर इसी बात का है और कुछ नहीं है। और देखो कितनी तेज आवाज़ आ रही है पंछियों की। अब हमको ये पानी की आवाज़ आ रही है तो हमें लग रहा है वाटरफॉल आ चुका है। ये रे जरे वाटरफॉल आ चुका है। ऐसा तो नीचे भी था। हमें वाटरफॉल तो नहीं मिला, बट हमें एक ये नदी मिली जो बहुत नीचे जाके बह रही थी ना, तो हम लोग इसको यहाँ पे देखने के लिए आए, तो ये रही वो नदी। और वो और भी ऊपर से आ रही, तो हम इतने ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, वाटरफॉल भी नहीं देख पाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ये देखो मेरे पे कितने सारे कांटे लग गए।
गाइज मैं फ़ोन से शूट कर रही हूँ ये करने के लिए कि ये सच में भद्रराज टेम्पल है क्या। आप लोग देखो तो ज़रा, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये भद्रराज टेम्पल है या नहीं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हमें जो वाटरफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, और इतना ऊपर हम अभी जा नहीं सकते हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं ना इसलिए। और कोई बात नहीं, वो नदी भी बहुत अच्छी थी और वो काफ़ी ऊपर है, मतलब उसका मतलब। और जो मैंने इससे पहले वाला शॉट दिखाया था, आप बताना ज़रा क्या वही है भद्रराज टेम्पल जहाँ पे मैं बहुत टाइम से जाने की सोच रही हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अब हम उसके बाद जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब क्या बोलते होते बुग्याल ग्राउंड को, हाँ बुग्याल टाइप का, गढ़वाली लोग समझ जाएंगे। तो वहाँ पे वो है, तो बहुत ही ज़्यादा पीस मिलता है और वहाँ से पूरा देहरादून बहुत ज़्यादा क्लियर दिखता है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं, उधर जाके हम अपना कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक चिप्स वगैरह खाएंगे, जो भी हम स्नैक्स ला रखे हैं, और फिर घर की तरफ जाएंगे। फिर हम आचल के घर जाएंगे। आचल आज हमें चाय पकौड़ी खिलाई गई ना आचल। चलो मिलते हैं आप लोगों से। ये पूरा ऐसे बैठने के लिए, और यहाँ से आप व्यू का पूरा एंजॉय कर सकते हो। और उधर कहीं पर दूर जाके ना उधर देहरादून दिखता है। एक्चुअली गोप्रो में ना जूम नहीं होता, तो इस वजह से जूम नहीं कर पा रहे। तो उधर की तरफ पूरा हल्का हल्का आपको दिख जाएगा स्क्रीन में। और ये आंचल और मैं, और अभी हमने खा लिया है वो उधर से जो हम लाए थे, हमें घर से फ्राइड राइस भी लेके आई थी तो वो भी हमने खा लिया। एंड आप कुछ कहना चाहती हो? नहीं मत ही बोलो। और फिर बस अब देखो ये व्यू वगैरह का मज़े हमने ले लिए हैं। और उधर भी यहाँ से काफ़ी सारे लोग जाते आते रहते हैं। ये पूरे चीड़ के पेड़ है इधर पर, वो रही मेरी स्कूटी। तो अब बस हम इधर से जाएंगे घर, और ये लोग पता नहीं कहाँ से जाते बीच में। और बस हम इधर से घर जाते हैं, और अब इसके बाद देखते हैं कब आता है व्लॉग। फ़िलहाल आप इस व्लॉग को इन्जॉय करो, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और देहरादून में इतने टाइम बाद देखो कितनी अच्छी धूप निकली है, तो हम तो पूरा मज़ा ले रहे हैं। एक मतलब 3-4 दिन हो गए तब से हम धूप के मज़े ले रहे हैं। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय।